हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आमिर खान का बर्थडे है आज 14 मार्च 1965 में मुंबई में जन्मे आमिर खान का बर्थडे है। यूं कहे कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट का बर्थडे है। आपको ये पता हो या ना हो, आपको ये बताना जरूरी समझता हूं मैं कि आमिर खान बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या विदेशों में भी, मान लीजिए चाइना में भी उनका है ना परचम, है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर्स में से एक है। टाइम पे आने वाले बंदे हैं आमिर खान भी, बता दे रहा हूं आपको मैं, जो टाइम से पहले आएंगे, मैंने खुद नोटिस किया है ये। और मीडिया में भी उनकी इज्जत, यानी कि जो फिल्म जगत है, जो मीडिया है, जो बूम पकड़ के उनसे सवाल पूछता है, वो भी उनकी इज्जत बहुत करता है, यानी कि बहुत इज्जत है उनकी देश और दुनिया में। और ये इज्जत कमाने में उन्हें सालों साल लगे हैं। कुछ लोग जरूर सोचते होंगे कि यार उन्हें 30 या 32 साल हो गए हैं, क्यामत से क्यामत आई थी 1988 में जूही चावला के साथ, तब से ही उन्होंने डेब्यू किया है। तो नहीं, 1984 में आई फिल्म होली से उन्होंने डेब्यू किया है, जो आपको YouTube पर इजीली मिल जाएगी, जरूर देखिएगा नए नवेले आमिर खान को। तभी भी उनकी आंखों में वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा कुछ कर दिखाने का था। आज भी वो जुनून, जोश और जज्बा कुछ कर दिखाने का है। बहुत कम फिल्में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में बनाई है, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो साल में एक फिल्म, उस तरह कुछ एवरेज जो है आमिर खान का, जो बहुत ही कम एक्टर्स का रहा है। एंड महेश बाबू भी बहुत कम फिल्में करते हैं साउथ में, सेम ऐसे ही है, बहुत कम एक्टर्स हॉलीवुड में, ऐसे कुछ एक्टर्स जो बहुत ही कम फिल्में करते हैं, बट वो कुछ ही फिल्में होती है जो चार चांद लगा देती है। क्योंकि आमिर खान ने कम फिल्में जरूर की है, लेकिन उन कम फिल्मों में जिस तरह का सक्सेस रेशियो है, शायद ही किसी एक्टर का होगा। और आमिर खान की परफॉर्मेंस के बारे में जितना कहे उतना कम है। दिल चाहता है, राजा हिंदुस्तानी, लगान, इवन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी उनका परफॉर्मेंस आपको बुरा नहीं लगेगा। फिल्म जरूर पिट गई होगी, बट आमिर खान इम्प्रेस करने में आपको करे होंगे आपको, इतना मतलब कहना है मुझे, इम्प्रेस करने में उन्होंने कोई कोई कसर कभी नहीं छोड़ी है। मंगल पांडे जो फ्लॉप फिल्म रही थी, बट वहां पर भी आमिर खान ने अपना दम दिखाया, यानी कि वो तो अपने कैरेक्टर में घुस ही जाते हैं। स्टोरी साथ दे या ना दे, ही इज ऑलवेज देयर ऑन हिज ट्रैक एंड ही गिव इज 110%। वो फिल्म देखी होगी आपने, सीके स्पष्टा, अलग तरह का लुक था उनका, एकदम एकदम छेड़खानी टाइप वाला लुक था, कमाल था लुक भाई, कमाल का लुक था वो। ही स्टडीज हिज करेक्टर एंड गेट इन टू द स्किन ऑफ द करेक्टर, यानी कि एक करेक्टर को परखते हैं, उस करेक्टर के अंदर घुस जाते हैं, और जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती है तब तक उस करेक्टर से बाहर नहीं आते हैं। एंड दैट इज वॉट अवर आमिर खान इज। अभी लाल सिंह चड्ढा के करेक्टर में घुसे 1.5 साल से, जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होगी दिसंबर 2020 तक, जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होगी, तब तक आमिर खान वैसे ही लाल सिंह चड्ढा के अवतार में बने रहेंगे। एंड आई थिंक ये वन ऑफ हिज रिमेक्स है जो बहुत ही कम करते, गजनी के बाद शायद है ना एक रिमेक कर रहे हैं, इंडियनाइज वर्जन ऑफ फॉरेस्ट गंप हम कह सकते हैं, एंड टॉम हैंक्स का इंडियन वर्जन का कैरेक्टर कहीं ना कहीं निभा रहे हैं। एंड बहुत अच्छी फिल्म है मेरे ख्याल से दोस्तों, रिमेक भी हुई तो क्या है ना, क्या प्रॉब्लम है, अगर अच्छी फिल्मों को आप रिमेक कर रहे हैं। दंगल एक बढ़िया फिल्म थी, ऐसे कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, पीके एक बढ़िया फिल्म थी, अगर अच्छी फिल्में बना रहे तो उसमें कोई मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। बहरहाल ये सब चीजें छोड़ के कुछ और चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक पहले भी शेयर किया था, वापस एक बार शेयर कर देता हूँ। मैंने कुछ मतलब सवाल पूछा है आमिर खान से, लेकिन एक बार मुझे याद है पीके के दौरान मैंने सवाल पूछा 2014 में, मीडिया में जब काम करता था,
पीके फिल्म का जो गेम लॉन्च हुआ था उसमें मेरा क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप वो इवेंट अगर ढूंढोगे यूट्यूब पर आपको मिलेगा, तो उसमें मेरा सवाल जरूर होगा पहला दूसरा क्वेश्चन। और आमिर खान बहुत ही सीरियसली, मतलब जो उनकी स्किल से वो बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सवाल सुनते हैं। ही इज वन ऑफ द गुड लिसनर एंड वन ऑफ द गुड स्पीकर, बहुत ध्यान से सुनते हैं और बहुत ध्यान से आंसर देते हैं, एंड दैट्स व्हाट आमिर खान इज। पर्सनल लाइफ कितनी भी ऊपर नीचे क्यों ना रही हो किसी भी स्टार्स की, आमिर खान की भी थोड़ी ऊपर नीचे, बट प्रोफेशनल लाइफ में कभी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और आमिर खान अकेले बॉलीवुड एक्टर है जिनकी फिल्म ऑस्कर तक गई है। नहीं, इसके पहले मदर इंडिया भी गई थी ऑस्कर में टॉप फाइव में, ऐसा कुछ नहीं है, बट सेकेंड इंडियन एक्टर में कहो तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं। और आमिर खान इज वर्ल्ड रिनाउंड, एशियन कंट्रीज में तो उनका जो दबदबा है वो आप हिला तक नहीं सकते उन्हें, स्पेशली इन चाइना, इन रिसेंट ईयर साउथ कोरिया, इन साउथ कोरिया आई थिंक थाईलैंड, हांगकांग, इन सब कंट्रीज में उनका बहुत फैन फॉलोइंग। ऑफकोर्स बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो है ही है, यूएसए, कनाडा, वो तो है ही, वो तो नॉर्मल, वो तो है ही रहता है, जर्मनी वगैरह, बट साउथ एशियन कंट्रीज में जो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, थ्री इडियट्स हो, पीके हो, या इन सब फिल्मों से, सीके सुपरस्टार हो, वो काबिल तारीफ है। ही इज एन एजलेस एक्टर, क्योंकि जब वो थ्री इडियट्स में एक 22 साल के रेंचो टाइप का किरदार निभा सकते हैं, ही कैन प्ले एनी कैरेक्टर, डू ही कैन प्ले एनी कैरेक्टर। गजनी में भी सरप्राइज किया, माफ कीजिए, वो हर एक रोल्स में सरप्राइज करते हुए नजर आते हैं, और शायद इसलिए उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी हासिल की है अपने आप को लेकर। और हाल फिलहाल में कुछ सालों में उन्होंने शायद एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करना शुरू कर दिया, जल्दी करते नहीं है वो। और मेरी अगर यादें कहूं आमिर खान को लेकर क्या क्या है, तो उनकी कुछ स्टार्टिंग की फिल्में मैंने देखी है, जैसे कि जवानी जिंदाबाद एक फिल्म थी आमिर खान की, वो देखी है मैंने, और राजा हिंदुस्तानी सबने देखी है, क्योंकि सबने इसलिए भी, सब सबको फिल्म एक ही सीन याद होगा उनका और करिश्मा कपूर का किसिंग सीन, बोले अभी तो फिल्म नॉर्मल चल रही थी, ये क्या चल हो गया, है ना। और दैट सीन वॉज इन सेंसर, ये बड़ी बात थी। एंड लगान कोई नहीं बोल सकता, मुझे याद है लगान जब टीवी पे सोनी मैक्स पर आई थी सबसे पहली बार, हमारे इधर केबल नहीं था, हमने कहीं से कुछ कनेक्शन करके, क्या बोलते हैं वो तार और ऊपर करते हैं पहले, डीडी वाला जो तार रहता था, वह ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, वैसा वो एंटीना लगा के सेट करके शाम को 7 बजे से लेकर वो फिल्म 12 बजे तक चली थी, क्योंकि उस समय सेट मैक्स पे जो एड्स आते थे वो 5 मिनट के, 10 मिनट के नहीं थे, वो 15-20 मिनट के होते थे, अगर याद होगा आपको, 2000 से 2010 के बीच के दौर की बात करता हूं मैं। अच्छी फिल्म लगी थी लगान। लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ आमिर खान आई कैन से। और एक समय उन्हें मैंने देखा था एक यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, वहां पर वो आए थे, और उस समय वो तलाश फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मुस्टैच उनकी ऐसी थी, बॉडी मस्त थी, तो देख के लगा क्या पर्सनैलिटी है यार। आपको हमेशा याद रखना जो खान्स है या फिर जो अक्षय है, अजय, ये सब जो एक एक इनको आप अगर देखोगे सामने, एक स्टार वाली वैल्यू लगती है यार, दे आर बॉर्न स्टार्स, क्या पर्सनैलिटी है यार। हाइट हमारी जैसी बहुत ज्यादा हाइट नहीं है किसी भी ज्यादा एक्टर्स की जो आप अभी फेमस है बहुत, बट दे लुक सो डैशिंग, सो इन टू द पर्सन, सो इन टू द स्किन, दैट आप फैन हो जाओगे उनके, ऐसा है। आमिर खान इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एक्टर्स, बहुत दमाक है भाई बंदे में, बहुत ज्यादा। सो 55 साल पूरे कर लिए हैं, मैं चाहता हूं और 55 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल जिए वो, और हमें अच्छी फिल्म देते रहे, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ही एक्टर्स जो बहुत अच्छी फिल्में देते आ रहे हैं सालों सालों से, ये हम नहीं भूल सकते। वी कांट डिनाई एंड फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आमिर खान इन इंडियन सिनेमा एंड बॉलीवुड, ठीक है, दंगल, पीके, थ्री इडियट्स, कई बड़ी बड़ी, गजनी, ये गिवन लगान, ये गिवन सो मैनी बिग हिट्स, बॉक्स ऑफिस को अकेले दम पर संभालते आए कई सालों से, कलेक्शन अच्छे अच्छे देते आए, दंगल 37 करोड़, पीके 340 करोड़ के आसपास,
it's not easy, Kajni, for him to cross 200 crore. I think if I'm not wrong, 100 crore, 100 crore. 2012 में कोई फिल्म है उसने किया था शायद, हाँ गजनी 100 करोड़ किया था, थ्री इडियट्स ने शायद 200 करोड़ किया था. सो विद चेंजिंग टाइम, मतलब समय बदलते बदलते कितना भी बदल गया हो, लेकिन आमिर खान समय के साथ चलते आ रहे हैं और आने वाले 15-20 साल या 30 साल स्पेशली उनको कोई हिला नहीं सकता है. यू कैन कॉल हिम द टॉम हैंक्स ऑफ इंडिया और यू कैन कॉल हिम द डी कैप्री ऑफ इंडिया, ज्यादा बेहतर होगा ये. लियोनार्डो डी कैप्रियो, लियोनार्डो दा विंची मत बोलना, वो पेंटर थे पुराने वाले, लियोनार्डो दा विंची. ठीक है, सो फाइनली वीडियो बड़ा ही लंबा हो गया, तो बस शांति से मैंने बोला, बस शांत हो ना फिर एकदम. यही कहूंगा विद वी बॉलीवुड क्रेजी टीम विशेस आमिर खान ए वेरी हैप्पी एंड हेल्थी बर्थडे एंड वी होप ही कम्स विद लॉट ऑफ गुड टॉपिक्स एंड बहुत जल्दी उनकी आई थिंक विक्रम वेदा का भी हिंदी वर्जन का खुलासा हो जाएगा, या फिर वो होगी या तो फिर गजनी टू. सो मतलब तब तक आप ट्यून करे रहिए इस चैनल को और देखते रहिए बॉलीवुड क्रेजी. वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.